औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में शुक्रवार शाम समाज सेवी महेश बैरागी के जन्मदिन पर विशाल संत समागम और भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर और श्री 1008 महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास जी महाराज, 1008 रुक्मणी देवी, डॉक्टर विनायक पांडे, ज्योतिषाचार्य कपिल शर्मा जी महाराज आदि राष्ट्रीय संत के साथ ही हास्य कवि जानी बैरागी, भजन गायिका आशा वैष्णव भी कार्यक्रम में उपस्थित रही। गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वहीं भजन गायिका आशा वैष्णव द्वारा बेटा हूँ महाकाल का जैसे आदि भजनों से कार्यक्रम को सफल बनाया। वहीं जानी बैरागी द्वारा अपने हाथ से काव्य की एक छोटी सी प्रस्तुति दी गई, जिसने सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन राजू माली द्वारा किया गया। महेश बैरागी द्वारा अपने जन्मदिन के अवसर पर 1100 शिव महापुराण का वितरण किया गया। वहीं कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि संजय वैष्णव, देवेंद्र पटेल, अशोक पटेल, सुभाष जायसवाल, गणेश जायसवाल सहित शहर के समाज सेवी, जनप्रतिनिधि व नेता आदि मौजूद रहे। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, जनेन शीतलीकरणम देवाभिवंदनम आत्माभिवंदनम आशीधरणम कर्पूर नीरांजनम समर्पयामि, कर्मांग देवाभ्याम नमः, देवेभ्यो नमः, भगवती परांबिकायै नमः त्रिगुणात्मिका। बताए आज जो कार्यक्रम था, क्या था पूरा कार्यक्रम, किस उपलक्ष्य में आपका यहाँ आना हुआ? ये मेरे छोटे भाई हैं महेश शर्मा जी बैरागी, जो कि पीथमपुर में रहते हैं, और उनका जन्मदिन था, जो मुझे बड़ा स्नेह करते हैं, और मुझे उनके जन्मदिन पर यहाँ आना मेरी जरूरी था। आज यहाँ साधु संतों के दर्शन भी हो गए इस बहाने, और महेश भाई से मेरा बड़ा विशेष प्रेम है, बड़ा स्नेह है, वो मुझे भाई बस समझते हैं, इसलिए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जानी बैरागी है। आज जो एक कार्यक्रम है, क्या है पूरा कार्यक्रम? हमारे महेश भाई बैरागी का जन्म उत्सव का कार्यक्रम है, और उसमें देश के सभी ख्यात विख्यात विद्वान ज्ञानी एवं संतों को बुलाकर उनका सम्मान किया गया, एवं पूरे समाज में 1100 शिव पुराण पुस्तकें बांटी गई हैं, और महेश भाई के जन्मदिवस की शुभकामनाएं सभी ने प्रेषित की हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छी भजन संध्या भी चल रही है, और सभी श्रोता भजन संध्या का आनंद ले रहे हैं। आपका नाम बताइए। पंडित कपिल शर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।